हाय फ्रेंड्स, और बात करेंगे आज जो अफ्रीकन कप ऑफ नेशन का मैच है जो कि सेनेगल और जिम्बाब्वे के बीच में है। देखिए, अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस चल रहा है कोविड के बीच में कैमरून में, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे मैचेस अच्छे तरीके से हो सके। तो ये ग्रुप बी का मैच है जिसमें जो बाकी दो टीम्स हैं वो मलावी और गायनिया हैं, और यहाँ पर सेनेगल जिम्बाब्वे दो टीम्स हैं। और इस ग्रुप की जो फेवरेट सबसे फेवरेट टीम है जो रादर अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस भी जीत सकती है वो टीम है सेनेगल, और सेनेगल का ये मैच है। देखिए, इस मैच में जो भी होगा मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सेनेगल हैवी फेवरेट्स हैं, और वो इस मैच को 2-0 या 3-0 या ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीत सकती है। हालांकि जिम्बाब्वे के पास भी कुछ प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी के लिए बात बताऊँगा, आप अपने जो टीम है उस हिसाब से बनाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो जो कुछ कुछ प्लेयर्स हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि सेनेगल के प्लेयर्स काफ़ी वेल नोन हैं, तो उन्हीं से एक बार हम शुरुआत करते हैं। देखिए, फॉरवर्ड लाइन में यहाँ पर डेडियू जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और अगर डेडियू देखिए पहली बात है कि स्टार्ट कौन करेगा ये तो आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर डेडियू स्टार्ट करेंगे तो आप इनको टीम में ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज़ ये काफ़ी तगड़े स्कोरर हैं, और हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा जो आपको पॉइंट्स देंगे आगे सादिया माने के बाद वो यही हैं। अब वो स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन डेडियो के बारे में मैं इतना बता दूं कि ये टर्किश लीग में एलेनियास्पोर के लिए खेलते हैं, और 17 मैच जो सुपर लीग में खेले उसमें इन्होंने 7 गोल किए हैं। लेकिन वैसे भी अगर आप इनके स्टैट्स देखें तो ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अगर कुछ आप इनकी फॉर्म देखें तो। उसके अलावा इन्होंने 17 मैच सेनेगल के लिए भी खेले हैं जिसमें इन्होंने 9 गोल स्कोर किए हैं, तो ये अच्छे फॉर्म में भी है, और अगर ये स्टार्ट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। वहीं पर एक डियालो भी हैं। देखिए, अब डियालो का मुझे नहीं पता कि ये स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज ये सब डिपेंड करेगा कि जब लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद पता लगेगा कि प्लेयर्स कैसे स्टार्ट करते नहीं करते, कि अगर डेडियो की जगह डियालो स्टार्ट करे तो क्या उन्हें लेना चाहिए कि नहीं, तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये भी सेनेगल के लिए, ये यहाँ पर स्ट्रेसबर्ग एल्सेस के लिए भी खेलते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि स्ट्रेसबर्ग ये भी एक ये फ्रेंच टीम है, और सेनेगल के लिए इन्होंने 10 में से 2 गोल स्कोर किए हैं। वहीं पर यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंस डूब की। देखिए, ये प्लेयर जिम्बाब्वे के नंबर 1 प्लेयर हैं, इन्होंने 10 मैचेस में 7 गोल किए हैं, लेकिन हम अभी बजट की वजह से इनको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लाइनअप्स अनाउंस होने का एक बार इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं। बट अभी हमने यहाँ पर डेडियो को लिया है, और यहाँ पर देखिए बहुत बार ड्रीम इलेवन में हमने यहाँ पर डिया को भी देखा है, क्योंकि ये इनका नाम जो पूरा नाम है वो बॉल में डिया है, और प्लेयर ये बहुत अच्छे हैं, बिकॉज ये विलारियाल के लिए खेलते हैं, 15 मैचेस में 4 गोल किए, सेनेगल के लिए भी 9 मैचेस में 1 गोल किए, और ये अगर ये स्टार्ट करेंगे तो इनका भी आप ले सकते हैं, और हमने इस बार लिया भी है। मिडफील्ड में देखिए, सादिया माने मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लिवरपूल के वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 8 गोल डोमेस्टिकली भी अभी किए, और सेनेगल के लिए भी बहुत हमेशा ही खतरनाक फॉर्म में रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये स्टार्ट करेंगे तो आप इनको कैप्टन लेंगे। 80 मैचेस खेले इन्होंने आज तक सेनेगल के लिए, 26 गोल स्कोर किए, तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वहीं पर केटर बाल्डे को भी हम लोग ले सकते हैं फॉरवर्ड में अगर ये स्टार्ट करेंगे तो, क्योंकि इन्होंने भी कई सारे अच्छे मैचेस खेले, और बाल्डे ने भी अपने देखा जाए तो अभी कैगलियरी के लिए खेलते हैं, 6 गोल स्कोर किए हैं सेनेगल के लिए भी, तो इनको भी आप ज़रूर रखिए। इस्माइल सार देखिए, इस बार हमने देखा है वॉटफोर्ड के लिए, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड भी रहे हैं, लेकिन बहुत ही सॉलिड प्लेयर है, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और इस्माइल सार भी विंगर भी हैं, भक्ति भी हैं, तो हमें लगता है कि आप इस्माइल सार को ज़रूर लीजिए अगर वो स्टार्ट करते हैं तो इस मैच में, क्योंकि इस्माइल सार जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक इस्माइल सार को आप अगर ये स्टार्ट करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बाकी कौन कौन स्टार्ट करता है, क्योंकि इस्माइल सार के भी काफ़ी सारे गोल्स मतलब आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, इनको आप ज़रूर लीजिए। वहीं पर आप हमने यहाँ एडिसन गाय को लिया। देखिए, एडिसन गाय इस समय बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है,
क्योंकि आपने इनको अगर देखा होगा तो ये प्रीमियर लीग में भी खेले हैं, अभी भी ये खेलते हैं प्रीमियर लीग में, ये एस्टन विला एवर्टन के लिए खेले, अभी पीएसजी के लिए खेलते हैं। देखिए बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, डिफेंसिव मिडफील्डर है, आपको इनके टैकल इंटरसेप्शन के बहुत पॉइंट मिलेंगे, तो इनको ज़रूर लीजिए। वहीं पर मैं कुछ प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो आप ले सकते हैं जिम्बाब्वे के, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है कि जिम्बाब्वे के कौन से प्लेयर हैं। एक हम बता चुके हैं आपको प्रिंस ड्यू, एक मैं आपको कुदकवाशे महाची के बारे में बताऊंगा। देखिए ये अच्छे प्लेयर हैं, ये मिडफील्ड में खेलते हैं, होल्डिंग मिडफील्डर रोल, लेकिन इनके साथ सबसे अच्छी बात है कि ये टैकल्स वगैरह बहुत अच्छे खेलते हैं, लेफ्ट विंग से आते हैं, असिस्ट अच्छे करते हैं, और हमें लगता है कि ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। वहीं पर कैडेवेयर, देखिए जिम्बाब्वे के जो बेस्ट प्लेयर स्क्वाड में हैं वो कैडेवेयर हैं, और ये मैं बात बिल्कुल आपको बहुत स्पष्ट कह सकता हूँ, क्योंकि इनका नाम हमेशा बड़े बड़े क्लब्स के साथ भी जुड़ता रहा है, और ये काफ़ी बढ़िया प्लेयर भी रहे हैं। अभी भी आप देखें तो अटैकिंग वाइज में इनके जो असिस्ट वगैरह होते हैं या इनके प्ले मेकिंग स्किल्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, और वैसे ये लियोन के लिए खेलते हैं, लेकिन अभी ले हावर में इनको लोन पे दिया हुआ है। लियोन में भी इन्होंने 35 मैचेस में 10 गोल किए थे, ले हैवर में भी इन्होंने 43 मैचेस में 23 गोल स्कोर किए थे, जिम्बाब्वे के लिए भी 19 मैचेस में 3 गोल स्कोर कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर कोई आप मेरे मानेंगे तो ये रहेंगे, इनको आप ज़रूर लीजिए। डिफेंडर्स में देखिए कोलिबाली को हम सब जानते हैं कि कितने तगड़े प्लेयर हैं, ये आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शंस, टैकल्स ये वगैरह इनको आपको बहुत इनके पॉइंट मिल जाएंगे। नेपोली के ये बहुत वेटरन प्लेयर हैं, आप बहुत बड़े बड़े क्लब से इनका नाम जुड़ता रहा है, और ये इनफैक्ट इन्होंने इस सीज़न में 2 गोल स्कोर भी किए हैं, तो ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। वहीं पर हमने जो दूसरे प्लेयर सेलेक्ट किए हैं वो बौना सार किए हैं। देखिए अब आप इनमें से कहीं भी प्लेयर्स को कर सकते हैं क्योंकि बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन बौना सार हमने किया है क्योंकि ये बायर्न म्यूनिख के प्लेयर हैं, बायर्न म्यूनिख के लिए बहुत ही मुश्किल से प्लेयर्स खेल पाते हैं, लेकिन ये खेल रहे भी 29 वर्षीय प्लेयर हैं, बहुत ही वेल नोन प्लेयर है, राइट बैक खेलेंगे तो क्रॉसेस इंटरसेप्शंस भी करेंगे, और अगर ये करेंगे तो बहुत इनको बेनिफिट मिल सकता है असिस्ट करने का भी और गोल स्कोर करने का भी। वहीं पर हमने जो जिम्बाब्वे के प्लेयर को लिया है और हमने यहाँ पर लिया है मुडीमू को। देखिए मुडीमू को भी लेने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एक तो ये है कि ये मोस्ट लाइकली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनका गेम अभी तक जब जब इन्होंने खेला है वो अच्छा ही खेला है, काफ़ी 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 नीट खिलाड़ी है, जॉर्जिया क्लब्स के लिए खेलते हैं, एफसी टॉर्पेडो के लिए अभी खेल रहे हैं, और जिम्बाब्वे के लिए 24 मैचेस खेले हैं। टैकल इंटरसेप्शंस के लिए आपको काफ़ी वो मिलेंगे, और अभी हमें लगता है कि ये आपको काफ़ी बेटर पॉइंट्स दे सकते हैं। तो ये अभी हमने टीम बनाई है, कीपर हमने जिम्बाब्वे के लिए है महारी को, तो ये टीम हमें लगता है कि आपके लिए अच्छी रहेगी। इसमें जो भी चेंजेस होंगे हम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद बता देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बाकी ड्रीम 11 टीम्स के लिए भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।